मिशन कंप्लीट, पैकिंग डन। पर आपको एक चीज दिखानी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने मस्ती मजाक से शुरू किया। आओ कम, दिस इज वृंदावन गार्डन, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि मैसूर आओ तो वृंदावन गार्डन देख लो। हमने क्या देखा, वृंदावन गार्डन के साथ एक डैम, और ये कोई आम खास डैम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है इसके पीछे। 2 स्टेट कावेरी रिवर के पीछे लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि पानी चाहिए सबको। और हम तो पहले ही बोलते हैं कि पानी बचाओ, आने वाली जो जंग है वो पानी और ऑक्सीजन के चक्कर में होगी, या तो पेड़ लगाओ या फिर पानी बचाओ। तो ये जब आके हमको ये पता लगा कि सीरियसली ऐसा हो रहा है तो हमारे को समझ में नहीं आया। हमने कुछ देर देखा, इनका यार बात तो सही है कि पानी ख़त्म हो गया, किसी स्टेट में लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, सब समझदार लोग हैं, उन तक पानी पहुंचा दो। और जिनके पास ज़्यादा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी, ऐसे सब मिल बांट के रहेंगे भाई बंधु के तरीके से तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। बाकी हमारी पैकिंग तो आपने देख ली होगी है, अब बेंगलोर में रहे। चलिए, वो देखो आप, वो है जी, वो जंग की वजह, वो डैम, वो वाला डैम। वो क्या है कि हम निकलने लगे तो सोचा आपको एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दी जाए। क्या है कि अगर आप कभी भी वृंदावन गार्डन आते हो तो आप यहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है, कैमरा का भी थोड़ा सा इशू है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही। तो हमने भी अपना जो ड्रोन था कल जो सब्सक्राइबर थे उनके पास रखवा दिया था कि कोई भी दिक्कत ना हो। तो सीन यही था, पहले उनके पास जाना पड़ेगा हमारे को ड्रोन उठाने के लिए, फिर हमारे को बेंगलोर निकलना पड़ेगा। यही थी जी, हमने सोचा आपको जाते जाते बता दें। बाकी हम रेडी हैं, रेडी है लड़के, चलो चलो चलो। अपने यश के ऑडियंस लगे हुए हैं। यश बाबा हेलो, कैसे हो? नमस्कारम नमस्कारम। ये बात, थैंक यू, जाते जाते आपने अपनी शक्ल दिखाई, हमारे को अच्छा लगा। कैसे? अच्छा, ये देखो इस चीते के पास हमने अपना ड्रोन रखा था, थैंक यू, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं था। हाँ। लड़के बहुत ही स्वीट थे यार, ये सबको थैंक यू जो हमारे साथ मिले। सही में यार, थैंक्स मैन। मतलब उन्होंने मैसूर को ना और इंटरेस्टिंग कर दिया। अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तुम लोगों से वापस, आई थिंक मैसूर की बेस्ट पार्ट वही लोग थे क्योंकि वो हंसते हुए मिले हमारे को। बाकी लोग ऐसा ना टेंशन में मिले। यहाँ पर भैया टंकी फुल कर देना, लास्ट बार टंकी फुल हो रही है हमारी। कितना टाइम लगेगा हमारा? देखो जी 4 घंटे बोल रहा है, हमको उसको कन्वर्ट करना 3.5 घंटे में। 3.5 भाई, 3 घंटे 15 मिनट। परफेक्ट। देखो वैसे तो मैं आपको 5 शॉट में बेंगलोर पहुंचा सकता हूं, आप बोलो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वैसे 5 शॉट में पहुंचाता हूं क्योंकि फिर मायरा से ना जल्दी मिल पाओगे आप लोग भी और हम भी। भाई मुझे मिलना है मायरा से जल्दी, वही है जल्दी जल्दी है जल्दी। बात कर रहे हो, देख रहे हो मित्रों, लिफ्ट हमारी चमक रही है। जाना कौन से फ्लोर पे था? 8 फ्लोर। फाइनली हम सबसे ऊपर। कांग्रेचुलेशन, फाइनली पहुंच गए हैं हम, जिंदा पहुंच गए हैं 1:30 में। और क्या भगाई है गाड़ी यार, बिल्कुल सही टाइम पे। जो हमने सोचा था कि 5 बजे पहुंचे हैं वो नहीं हुआ, पहुंचे हम 6:20 पे ही हैं। बट वक्त आ गया है मायरा से मिलने का, बहुत एक्साइटेड भाई, पागल हो जाएगी। 17 दिन के बाद समझो आपका पेट जो भी होता है वो इतना प्यार से वापस मिलता है या नहीं मिलता, या एटीट्यूड से मिलता है, वो देखते हैं अभी। उन्हें बताया नहीं, किसी को नहीं पता है कि हम आ गए। सरप्राइज है, क्या क्या कर रही है? Oi, 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 oi. सारा काले के हाथ हाथ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मायरा फुल एक्साइटेड हो चुकी है। और यहाँ पर और दिखाते हैं आपको, ये देखो पौधे, पौधों में लग गए गुलाब के फूल। जाते हुए नहीं लगे थे? क्या बात कर रही हो, जाने से पहले ये नहीं था ना? येलो होता है, बहुत येलो था। हां भाई खूबसूरत लग रहे हैं। ओहो, फाइनली घर आके कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है निशित? बहुत सही, बहुत सही। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मायरू कहाँ जाना है? कहाँ गई? सॉरी दोस्तों, हमने वादा किया था आपको लेके जाएंगे कल कहीं बाहर, पर हमारे दोनों की हालत ऐसे क्रैश वाली। आधी सो गया था यार, बहुत सही नींद निकाली है यार। मतलब अभी तक आवाज में भी वो नींद वाला ऐसे खरखराहट नजर आ रही होगी, पर अच्छा लग रहा है कि घर पहुंच गए। और ये देख रहा है, ये मोहब्बत मिस कर रहे थे हम, जिसके चक्कर में भाग रहे थे। आज इसका पैम्पर डे है और हमारा कोविड टेस्ट है, क्योंकि कल जाना है। और सुना है मुंबई में बड़ी ही हालत खराब चल रही है, इस वजह से कोविड टेस्ट करा के जाएंगे। तो पहले जा रहे हैं कोविड टेस्ट कराने, फिर इसको छोड़ेंगे, इसका स्पा होएगा। तो आई होप फीलिंग पॉजिटिव, पर कोविड चाहिए नेगेटिव। यही है ब्रो, नेगेटिव है। सही है ना बेबी, तू भी नेगेटिव है ना? अच्छा लग रहा है, ये देखो। हेयर कट करवाएंगे एकदम, और ज़्यादा प्रिटी हो जाएगी। हाँ, जिसका होएगा हेयर कट फिर बनेगी ये ऐसे। ठीक है, चलो जा रहे हैं आप, ये टेस्ट वेस्ट करा लें। पहली बार ऐसे हॉस्पिटल में जा रहा हूँ टेस्ट करवाने। तूने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया क्या अभी तक? अभी तक तो मेरे जितने टेस्ट हुए हैं सब घर पे हुए हैं, और हॉस्पिटल में जाने में थोड़ी फट रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ना। और किसी को भी हो सकता है भाई, मैं तो जा ही नहीं रहा अंदर। तो मैं क्या बात कर रहा है, मैं अंदर नहीं जा रहा। हरामी है तू तो यार, साथ छोड़ गया। मैंने तेरी सारी सिचुएशन में साथ दिया भाई। कोविड हो गया तो नहीं भैया, तू बाहर रह लियो, मैं करा के आ जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। समझ में नहीं आ रहा अभी आपसे क्या बात करें, पर हमारा कोरोना टेस्ट हो गया है और रिपोर्ट आ जाए बस टाइम से। इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मायरा को नहलाते धुलाते हैं। एक लास्ट में ऐसे ना मेरा वाला जो लोगो आता है ना, उसके बाद मायरा की शक्ल चेंज हुई, आपको दिखा देंगे। चलो जीवन, तुम आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर, रब रखा, बी पॉजिटिव एंड कोरोना टेस्ट नेगेटिव। बाय बाय। मायरा चले, इसको